गांव अपनी बीवी को लेने जा रहे हैं कपिल। अब उनकी ये साइकिल कहां कहां रुकती है, चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम कपिल एज अ पति एंड शिमोना एज अ मदर। साइकिल की ब्रेक नहीं है। हेलो, हट जा। ओह माय गॉड, एक तो हमारे जमाने में मोबाइल नहीं है, लैंडलाइन लेके घूमना पड़ता है। हेलो, आ रहा हूँ तेरे को लेने। हाँ, माँ से पूछ लिया है। या ओके, चल ठीक है। हाय हाय, मैं 4 साल बाद अपनी बीवी को लेने जा रहा हूँ। इसमें कौन सी हंसने वाली बात है? आप लोग सोच रहे होंगे क्यों? हाँ क्यों, तो सोचते रहो। आप लोग सोचते रहो, मैं जवाब देता रहूं, यही काम रह गया मेरे को। चलो, आप लोग इतना इंसिस्ट नहीं कर रहे तो बता देता हूँ। 4 साल पहले एक्चुअली जब मेरी बीवी की मेरे साथ शादी हो रही थी, तो उसका पति लेने आ गया उसको। मेरा झगड़ा हो गया उसके पति के साथ, बड़ा जम के झगड़ा हुआ। कसम से कहता हूँ, अगर उस दिन मेरे को जुकाम नहीं हुआ था तो उसकी माँ की आँख अगर ले जाता उसको तो। लेकिन अभी क्या है ना, उसका तलाक हो गया, अभी मेरी जिंदगी में दोबारा वापिस आ रही है। मैं तो लाना नहीं चाहता था उसको बिल्कुल भी, पर क्या करूं, उसके 2 बच्चे पड़े हुए मेरे पास। मेरा तो श्रुति पे दिल आ गया था, मैं तो इसके साथ चक्कर चलाने का सेट था। मैंने तो बच्चों को मिलवाया भी इससे। हाँ। इतनी फेमस है, बच्चे दिखते ही पहचान गए, कहते आंटी आप वही है ना जो शोले में रहीम चाचा बनी थी, इतना फेमस है। अच्छा, इसके मजे हैं, मुफ्त में बैठी पैसे कमा रही, छोटे छोटे निक्कर पहन के। सहेल भाई, जब पहला एपिसोड खत्म होता ना, हम लोग दूसरे की स्क्रिप्ट बना रहे होते हैं। ये अर्चना और एक चैनल वाली, तीनों मिलके इतनी गप्पे मारती ना बाहर सोफे बैठ के कसम से। Yes. इतनी बड़ी बड़ी गप्पे, सोफे से बड़ी बड़ी गप्पे होती इनकी। अर्चना पता क्या बोलती बाहर बैठ के? अच्छा? कहती महीने में 6 बार लंदन जाती बेटे से मिलने। 6 महीने में 1 बार जाती है, वो भी अगर चैनल टिकट दे दे तो। पता क्या करती है, एक ही बार लंदन जाती 6 महीने में, बाकी 5 बार पटना जाती छोटी बुआ के घर। सब पता मेरे को, क्या समझ, मेरे को दिखता नहीं क्या? वापिस पटना से आती है, स्टेशन पे उतरती है, वहां से सीधा ऑटो लेके इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर ड्राइवर को फोन करती है, आ जाओ मैं आ गई लंदन से। प्रमीत बेचारा जल्दी जल्दी ड्राइवर की वर्दी पहन के लेने आता है। और क्या सोच रहे हो, आप लोग सोच रहे हो कि मैं सब क्यों बता रहा हूँ, भाड़ क्यों खोल रहा हूँ, सब कुछ खोल के रहा हूँ। तो सोचते रहो मेरा क्या है, तुम लोग सोचते रहो मैं बताता रहूँ, ये काम रह गया मेरे को। अरे बातें भूल गया, मैं तो अपनी बीवी को लेने जा रहा था। माँ माँ माँ, कहाँ हो तुम? माँ जहाँ भी हो वही रहो, एक्ट अच्छा जा रहा है माँ। ये मेरी सतेली माँ है, इतनी गंदी माँ है ना मेरी, इसने दूसरी शादी की थी मेरे बाप से कन्हैया लाल के साथ। बड़ी कमीनी रही है अपनी जवानी में। ये तो वैसे ड्रामे करती, मेरे को दिखता नहीं। परसों गोपी को देख के बोली, तेरे को देख के कन्हैया लाल की याद आती मेरे को। इतना मारती थी ना मेरे को सतेली माँ, अभी नहीं मारती है, लेकिन जब से बड़ा हुआ तो प्यार करती है। पता नहीं शायद डरती है बड़ा हो गया कहीं मार ना दे आगे। माँ माँ माँ, हाय माँ। ओए क्यों चिल्ला रहा है, मेरी आंखें खराब है, कान नहीं। तेरे कान भी खराब है, साफ करवा के देख, 10 किलो वजन कम ना हो गया फिर बोलना मेरे को। उफ, बकवास बंद कर, क्या बोल रहा था, क्यों चिल्ला रहा था? देख ये बकवास बंद कर क्या मतलब, क्या ये 4 लाइनें ना होती भूखी मर जाती है। बकवास बंद कर क्या मतलब, क्या क्या मतलब, क्या मतलब, कुछ नहीं। तू ना बकवास बंद कर और आगे बोल। हाँ क्या है? देख तुम माँ, तेरे को इसलिए बुलाया था, मैं तेरी बहू को लेने मायके जा रहा हूँ। हाय क्यों, वो जहाँ है वही रहने दे उस कल मुही को, तेरे लायक नहीं है वो। माँ ऐसे मत बोला कर, जैसी भी है लेकिन सेक्सी है। और तू जब आई थी ब्याही हो गए तो तू कौन सा बड़ी दिखती थी श्रीदेवी। पता है गांव के लोग थू थू करते थे मेरे बाप पे, बोलते कन्हैया लाल का दिमाग खराब हो गया इस उम्र में, बच्चों के अनाथ आश्रम से बीवी उठा ला है। चल हट, टपू में जाना है। देख बेटा तू ना आज फैसला करके रख कि तू अपनी माँ से प्यार करता है कि अपनी उस कलमुही बीवी से। क्या बात कर रही माँ, ऑफ कोर्स उससे करता हूँ, तेरे को क्या लेना तेरा मेरे को। बैठता था, मेरी जवानी के कितने बेहतरीन साल टॉयलेट में निकल गए।
कितना चावल मेरे पेट में भरती है, इतने चावल अभी तो कहीं हल्का होने के लिए जाता हूँ, दो दिन बाद चावल का खेत निकल आता वहां से। फट मेरे को जाने दे, 800 किलोमीटर साइकिल चला के जाना तेरी बहू को लेने मैंने। अच्छा ठीक है तू जा, लेकिन उस कलमुई को बोल के आगे मैं इसे झगड़ा ना करे। तेरे से कहां झगड़ा करती माँ, ती तो करती झगड़ा हमेशा, तो कितनी संस्कार वाली बहू है। याद है पिछली बार मुखिया जी आ गए थे अपने घर में, टावल पहन के घूम रही थी, उसी टाइम टावल उतार के घूंघट ओढ़ दी, इतनी अच्छी है वो। बड़ी आई तू, ऐसे मत किया कर, चला हट मेरे को जाने दे। जाने दे माँ मेरे को, रोक मत मेरे को। अरे तू जाऊं फिर मैं? हाँ जा। जब बाकी के 3 पेज थे अगर नहीं बोले थे तो रिहर्सल की करी थी मत। बोल बता मेरे को, आराम से टाइम ले, अपना ही शो है, क्या हुआ? सारी रात है अपने पास, आज भी सोच ले क्या बोलना चाहती है तू। मैं साइकिल के चक्कर काट रहा हूँ। बता ना माँ। तू घर के अंदर साइकिल चला रहा है? बकवास मत कर, असली डायलॉग बोल। उनको सुना अपने बाप को, मेरे को तो पता है सारा, उनको बोलना। क्या बोल रही है? ट्रेन से क्यों नहीं चला जाता? ट्रेन से नो बाबा, ट्रेन से मेरे को डर लगता है। क्यों? ट्रेन जब तेज तेज भागती ना, बाप रे इतनी ट्रेन तेज भागती, मेरे को डर लगता है कहीं मेरे से टिकट ना मांग ले कोई। वैसे माँ साइकिल में क्या बुरा, मेरे को सारा रास्ता याद है। सुनना, अभी घर से निकलेंगे लेफ्ट से नाका मार के गुजरात, गुजरात से होते हुए कोलकाता, मद्रास होते हुए सिर्फ रामपलगढ़ से फिर आगे सिग्नल आ जाएगा। उसके बाद रुकना 2 मिनट, रेड सिग्नल हुआ अभी। उसके बाद क्या, उसके बाद 4 सिग्नल पार करके रातों रात 2 घंटे में माइके। और सुन अभी मैं निकलता हूँ, रात हो रही है, ऊपर से मेरे पास घड़ी भी नहीं है। और रास्ते में पिछली बार जब मैं रात को गया था, मेरे को शेर मिल गया था, पता है? क्या? फिर क्या, मैंने पढ़ा और सुना दिया, लोग वाह वाह करते रहे। शेर सुना मैं क्या था, अभी तो इसने नक्शे वाला क्यों नहीं दिया, नहीं तो और मजा आता आपको। प्लीज क्यों दे दो ना उसको नक्शे वाला। कौन से नक्शे के हिसाब से जा रहा है? मैंने कहा मां देख नक्शे वक्शे वही होते हैं जो अक्सर होते हैं, लेकिन क्या मेरी जेब में बड़ा बड़ा पैंट में धुल गया था तो सारे शहर इधर उधर हो गए थे। और सुन माँ, पिछली बार मेरे को शेर मिल गया, मैंने शेर पढ़ के सुनाया, पता क्या शेर था? शेर अर्ज किया है, वो आए हमारी कब्र पे, वो आए हमारी कब्र पे सजदा कर दिया, वो आए हमारी कब्र पे सजदा कर दिया, 2 महीने का किराया पहले नहीं दिया, ऊपर से घर पे कब्जा कर लिया। मतलब तू तो अपने बाप से भी सारा हुआ शेर सुनाता है। ए माँ बकवास बंद कर, और सुनिए, क्या कपिल ला पाएगा अपनी बीवी को? क्या उसकी बीवी सही सलामत वापस आएगी? क्या उसकी बीवी के आने तक उसकी बुड्ढी खुसट माँ जिंदा रहेगी? ए तू क्या बकवास कर रहा है? बकवास बीच में मत बोल। हो सकता है कि कपिल जब वापस आए तो माँ के किरदार में कोई और लड़की हो। क्या कपिल ला पाता है अपनी बीवी को, ये देखने के लिए देखते रहिए कहानी कॉमेडी सर्कस की। बेटे के जाने के बाद बाप करता है क्या क्या गोलमाल, ये दिखाने आ रहे हैं मंत्रा एज पिता, अनूप एज इज बेटा एंड दिव्यांका एज अ बार डांसर। हो गया ये जहां, सो गया आसमान, सो गई है सारी मंजिले, ओ सारी मंजिले, सो गया। किसी को जागने की जरूरत नहीं है, 10 मिनट लूंगा आपकी जिंदगी के, उस 10 मिनट में स्क्रिप्ट पढ़ के निकल जाऊंगा। सोहेल भाई आप गलत है, आप गलत है जो कहते हैं कि जवानी में सबसे ज्यादा मजे लिए जा सकते हैं। नहीं, आज मैं जाऊंगा अपनी जलेबी भाई के घर, भले ही रात के 2:30 बज रहे हो, जरूर जाग रही होगी मेरे नाम पे। कहाँ हो जलेबी भाई? अरे बड़ा जानू, बिल्कुल ठीक हूँ, तू कैसा है? मैं बढ़िया, मेरी भोपाल एक्सप्रेस आज लास्ट एपिसोड में पूरा जोर मार रही है तू, है ना? अच्छा अच्छा, कहाँ रह गई थी जलेबी? तुम आई नहीं, हमारी चाशनी सूख गई तुम्हारे इंतजार में, क्या हाल है? अरे बड़ो जानू ये सब बातें छोड़ो, हमको जे बताओ कि तुम कल रात कोठे पे कहीं नहीं आए, हमारी अम्मी जान जो याद कर रही थी तुमको। अरे तुम्हारी तो माँ की मैं क्या हरकतें बताऊं, कमाल की औरत है, मतलब हुक्का ठंडा हो गया लेकिन गुड़गुड़ाना नहीं छोड़ा उसने अभी तक के। समझाया मैंने उसे कि हिलते खंभे पर गिरती हुई इमारत कभी टिकाई नहीं जाती, मैं कब तक संभालूंगा उसे। हमारी बताओ तुम्हारे हमारे बीच में क्या हो सकता, बजाओ जरा जरा जरा, टच मी टच मी टच मी। नया कैरेक्टर कर रहा हूँ, ठरकी बुड्ढा, कॉमेडी सर्कस में पहली बार हो रहा है ये बात। हाँ हाँ तो चलो कुछ करो, कैरेक्टर से बाहर निकल जाते हो, डांस करे थोड़ा सा, डांस कर लो। चलो और कुछ नहीं तो यही कर देते हैं, लेकिन तुमने कुछ खाने पीने का इंतजाम कराया हमारे लिए? ए जाके देख रहा पिज्जा वाला आया होगा। पिज्जा? अरे तेरे को आज के दिन पिज्जा ही मिला था मंगाने के लिए, क्या मूड का खराब हो गया तुम्हारा? अरे काय का मूड खराब हो गया, ये तो वही हालत हो गई जब बल्लेबाज को मालूम पड़े कि वो 99 पर है, सेंचुरी बनाने वाला है,
और मैच कैंसिल हो जाए। अरे मेरा बेटा भी पिज्जा डिलीवरी करता, अगर वो हुआ तो आज जो होने वाला था वो नहीं हो पाएगा। अरे बुढ़ो काहे को डरता है इतना, हर पुंछा वाला तेरा बेटा थोड़ी होगा, जाना देखो रहा ना। एक सेकंड चेक करने दो, आ जाओ दरवाजा कर, वही है वही है वही है। अबे कहाँ जाऊं? अंकल पिज्जा, अंकल पिज्जा, अरे अंकल पिज्जा ले लो। नहीं अंकल मेरा दांत खराब है, मैं नहीं खा सकता। अंकल पिज्जा ले लो अंकल। अरे अंकल पिज्जा ले लो अंकल। अरे उन्हें छोड़ो ना, उन्हें पिज्जा से एलर्जी है, हमको दो। अच्छा वैसे तुम तो हो बड़े ही हैंडसम हैं, अभी पिज्जा ठंडा भी होगा ना तभी चल जाएगा। वैसे मैडम भी कम हॉट नहीं है। अरे पिज्जा छोड़िए, अगर आप स्विट्जरलैंड चली जाए ना तो वहां भी आप राजस्थान बना देंगे। हर छिछोरे तेरी माँ बराबर है, तभी से बात कर। ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी लग रही है, ये बुड्ढा मेरा बाप तो नहीं है? नहीं। अरे अंकल, अंकल शकल दिखाओ ना। अरे कहीं नहीं अंकल, 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 अंकल तेरी ऐसी अंकल शकल दिखाओ ना। अरे चुप कर अंकल, अंकल। ये बुड्ढा अंदर अलमारी क्यों घुस गया? अरे क्या है ना, हमारी अलमारी में ना बहुत चूहे हो गए थे, तो उस बुढ़ाओ को हमने बुलाया चूहे भगाने को। मानो ना मानो ये मेरा बाप ही है, अभी देखता हूँ। अरे नहीं, अरे अरे, अरे बुड्ढे अंकल बाहर आओ, बाहर आओ। इन आँखों की क्या? अरे मेरा शक अब यकीन में बदलता जा रहा है, ये मेरा बाप ही है, इसकी तो मैं शक्ल देख ही रहूंगा। चुप कर, यहाँ से बच के भागना पड़ेगा। अभी कहाँ पे बचा? एक तो तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये दीवार के ऊपर के कौन सा चूना लगवा? एक प्रोड्यूसर या क्या, मैं चूना लगवाने वाला? पूरे चारों तरफ चूना लग गया, छुप के भागना पड़ेगा यहाँ से, वहाँ लड़का ना आ जाए। आज तो मैं उस बुड्ढे को ढूंढ के रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं। कहाँ है वो बुड्ढा? अरे कहाँ है वो बुड्ढा? बुढ़ाऊ तो गया ना। कहाँ गया? सिर्फ अकेले हम, अकेले तुम है जाना। अरे थकेले तुम, थकेले हम, मेरा क्या होगा? गुदगुदी हो रही है हाथ के नीचे। हटना जरा। अबे ये जो तड़के के नाम पे इतने पुतले ला के इकट्ठे क्यों हैं? एक पुतला लाना और जरूरी था क्या? इसी को अपना बाप मान के उस पर गुस्सा निकाल लेता हूँ। अगर मेरा बाप आज मुझे मिल गया होता ना तो मैं उसे ऐसे मारता है, ये ऐसे मारता और ये ऐसे मारता, और साले तेरा बाप मिलता तेरे को ऐसे मारता, ऐसे मारता। अरे बाप पे हाथ रहता साले, आज तो मैं छोडूंगा नहीं। अरे बाप बाप, बेटा पाल पोस के बड़ा किया, गवर्नमेंट स्कूल भेजा तेरे को, फेल तू हुआ वो दूसरी बात है, लेकिन मैं तो आवाज सुनते ही पहचान गया था कि ये मेरा बाप है। ये लड़की कौन है? बहू है तेरे लिए ढूंढ रहा था बेटा, मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, बड़े काम की लड़की है। कबूल है कबूल है कबूल है कबूल है, इस बुढ़ाऊ की जगह पे तो ये जवानी जाने वानी सही है मेरे लिए। ए, चलना अंदर। लेकिन क्यों? अरे सुना नहीं है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ओ, चलो चलो भैया। इस वाले स्क्रिप्ट के राइटर राज और खालिद थे। राज घर जा चुका है, खालिद सन्नी लियोनी को हिंदी की डिक्शन दे रहे हैं। वो कौन सी डिक्शन दे रहे हैं मेरे को अच्छे से पता नहीं है, लेकिन अगर आप राइटर को तारीफ देना चाहें तो मैं उनको कॉल करके बता दूंगा। बाकी हम तीन एक्टर्स हैं आपकी मार खाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।